सोनभद्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सोनभद्र जिले में मूलभूत सुविधाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रदेश सरकार के नामित ज्ञापन सौंपा गया। जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क व साफ सफाई को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि आज सोनभद्र के सरकारी जिला अस्पताल में दवा से लेकर डॉक्टर तक नदारद है। अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे विगत कई महीनों से बंद पड़ा है। प्राथमिक अस्पताल सेवा केंद्रों पर नर्स के सहारे अस्पताल चल रहा है। नियम के तहत सोनभद्र में 9 रेडियोलॉजिस्ट होनी चाहिए, जिसमें 3 जिला अस्पताल में अति आवश्यक होना चाहिए, लेकिन आज एक भी रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण लोगों को जिला अस्पताल से भदोही, मिर्जापुर मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, जबकि वहां से भी मरीज निराश होकर लौट रहे हैं। कई बार स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर चुके हैं, लेकिन हालत जस के तस बना हुआ है। बिजली, पानी, सड़क की स्थिति दयनीय है। पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी ने कहा कि सोनभद्र की जनता के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और यहां के भाजपा जनप्रतिनिधि सोए पड़े हैं। सोनभद्र अति पिछड़ा इलाका है, लेकिन सरकार द्वारा यहां गांव में बिजली, पानी, सड़क की स्थिति खराब है। कई गांव को भाजपा के प्रतिनिधि गोद लिए हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। अति पिछड़ा जिला इलाका आता है और जिला अस्पताल में विगत कई महीनों से अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है, डिजिटल एक्सरे जलकर खाक है। मरीज आ रहे हैं, उनको मिर्जापुर और भदोही भेजा जा रहा है, मेडिकल लोगों का नहीं हो रहा है। बदहाल सड़कें और यहाँ पे हर घर जल नल योजना फ्लॉप गया है सरकार का। बदबूदार पानी आ रहा है, लोग परेशान हैं और जिला अस्पताल में आए दिन मरीजों का शोषण किया जा रहा है। यही प्रदेश की भाजपा सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जिला अस्पताल में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ अल्ट्रासाउंड बंद पड़ा है, डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा है, नाक कान गला के डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। अभी एक डॉक्टर और अशोक यादव है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लगातार मरीजों का शोषण किया जा रहा है और प्राइवेट अस्पताल मनमाना फीस वसूल रहे हैं सोनभद्र की जनता से। इसलिए आज हम लोग प्रदेश सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदेश सरकार के संबोधित ज्ञापन पत्र जिला प्रशासन को सौंपने जा रहे हैं और 25 तारीख को एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी के बैनर तले किया जाएगा। नाम और अपना पत्र बता दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव। हम लोग कई बार अवगत करवा चुके हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक जी आए थे, उनसे भी अवगत कराया, जिसमें सीएमओ वहाँ तत्काल पर प्रभाव से उनको निरस्त किया गया। फिर आए उसके बावजूद भी यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती नहीं किया जा रहा है। लगातार डॉक्टर जो है इस्तीफा दे के यहाँ से जा रहे हैं, क्या कारण है ये डिप्टी सीएम या फिर सीएमओ विभाग बताए।